स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मोक्ष क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो। ये लेसन हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था। 12वीं क्लास में चलने वाली बुक है रेनबो, उसका लेसन नंबर 7 है इंडिगो। CBSE में भी ये चैप्टर चलता है इंडिगो 12th क्लास में, तो हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, हमने इस लेसन को शुरू कर दिया था और इसका आधा पार्ट हमने कल पढ़ दिया था, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ दिया था। अब इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं हम। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार गांधी जी के साथ क्या होता है आगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर, जो कि किसान थे चंपारण बिहार से, उनके आग्रह पर किस प्रकार से गांधी जी वहाँ पर जाते हैं चंपारण में, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में बोलने के लिए। वहाँ पे गांधी जी का विरोध किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन गांधी जी टस्से मस नहीं होते हैं और गांधी जी के ऊपर एक केस चलाया जाता है। उस केस के दौरान जब सजा सुनाने का टाइम आता तो 2 घंटे का समय जज मांगते हैं और जज कहते हैं कि भैया जुर्माना दो, आप जमानत दो, लेकिन जमानत के लिए इनकार कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ऐसे में भी उनको बिना जमानत के ही बेल मिल जाती है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट दोबारा लगा 2 घंटे के समय के बाद दोबारा जब कोर्ट लगा तो द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने कहा कि अब वो डिलीवर नहीं करेगा, नहीं देगा जजमेंट, यानी फैसला नहीं देगा कई दिनों तक। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इसी बीच में उसने अलाउ कर दिया था गांधी जी को कि वो रिमेन रह सकते हैं लिबर्टी, यानी आज़ादी से रह सकते हैं, उनको कोई जमानत की जरूरत नहीं है, आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा जज ने कहा। और ये कहा कि मैं अभी फैसला कुछ दिनों के बाद सुनाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल अक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये बड़े बड़े वकीलों के नाम है। राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल अक, ये सब वकीलों के नाम है और बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से वहाँ पर आए हुए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, वे सब गांधी के साथ में थे, सलाह मशवरा की उन्होंने। व्हेन व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, उन्होंने गांधी से कहा, नहीं गांधी जी ने पूछा कि व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, क्या करेंगे वो लोग अगर ही वॉज सेंटेंस, सेंटेंस यानी सजा सुनाई जाती है, टू प्रिजन जेल में, अगर उनको सजा सुना के जेल में डाल दिया जाता है। केस जो चल रहा था उस केस का फैसला अगर गांधी जी के विरोध में आता है, विपक्ष में आता है और उनको सजा सुना दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे, कौन वकील क्या करेंगे। तो व्हाई द सीनियर रॉयल रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, उन्होंने कहा भी हम तो आपकी एडवाइस और मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देर वुड बी नो नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम किसको सलाह देंगे, किसकी मदद कर पाएंगे, ऐसे हम भी अपने घर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो गांधी जैसे वकील कहते हैं कि अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम भी अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा कि भाई व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, फिर शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, अब लॉयर्स जो थे वो वापस चले गए कंसल्ट करने के लिए, बात करने के लिए आपस में। राजेंद्र प्रसाद है रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, सारी बातों का उनके जो मशवरा आपस में किया था उसका रिकॉर्ड लिया और गांधी जी के पास गए और वो कहते हैं दे थॉट अमंग देमसेल्व्स द गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर। राजेंद्र प्रसाद ने आगे बताया कि हमारे बीच में, वकीलों के बीच में, उन्होंने ऐसा सोचा, वकीलों ने सोचा गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी जी बिल्कुल एक अजनबी थे। गांधी जी गुजरात से थे, बिहार गए थे, हालांकि हिंदुस्तान में थे लेकिन बिहार में इतनी दूर गए थे, तो हम लोगों के लिए तो आप एक स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द प्रिजेंट्स, फिर भी गांधी जी उन किसानों के लिए प्रिजन जाने को तैयार थे, वॉज प्रिपेयर एंड तैयार थे प्रिजन जाने के लिए, सेक यानी के लिए और प्रिजेंट्स किसानों के, किसानों के हक में उनके लिए वो जेल में जाने को तैयार थे। इफ़ दे, अगर वो ऐसा कर सकते थे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस प्रेजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी अगर बाहर के आदमी होते हुए भी हमारे लिए जेल जाने को तैयार हैं, हमारे लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम लोग वकील तो यहीं के हैं। दूसरी तरफ हम लोग वकील नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ना केवल हम पास के जिलों के रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज, बल्कि हम वो लोग हैं हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, जो क्लेम करते हैं कि हम इन पीजेंट्स की मदद कर रहे हैं, इन किसानों की मदद कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, अगर हमको शुड को हम घर चले जाना चाहिए, अगर ऐसा होगा
तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये बहुत शर्मनाक वाकया होगा। अगर हम लोग यहाँ के होते हुए भी अपने घर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए शर्मनाक वाकया होगा, जबकि गांधी जी इतने दूर से आए हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वह उन्होंने समझौता करके बातचीत करके गांधी जी के पास वापस गए एंड टोल्ड हिम, को बताया कि दे वर रेडी, वो तैयार थे टू फॉलो हिम इन टू द जेल, कि हम भी जेल में जाने को तैयार हैं आपके साथ में, अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। ऐसा कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। ये सुनते ही गांधी जी ने क्या कहा कि बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, चंपारण की बैटल यानी युद्ध होता है, चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। देन इट टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का टुकड़ा निकाला एंड डिवाइड did the group into pairs and put down the orders in which each pair was to quarter rest। उन्होंने कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर ग्रुप बनाए, है ना, ग्रुप बनाए, उन वकीलों के नाम लिखे और put down to order in which each pair was to quarter rest, कि किस प्रकार से प्रत्येक जोड़े को कैसे गिरफ्तारी देनी है, उनको क्या क्या काम करना है, काम सौंपा गया गांधी जी को द्वारा। और सेवरल डेज लेटर, बहुत सारे दिनों के बाद में गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। बहुत सारे दिन बीत गए, गांधी जी को एक रिटर्न लिखित कम्युनिकेशन मिला, पत्र मिला, कम्युनिकेशन बातचीत को बोलते हैं यहाँ पे, पत्र से मतलब है। तो एक लिखित पत्र मिला फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जज के द्वारा, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें सूचित किया गया था उनको दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है प्रोविंस के उस जगह के, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने आदेश दिया है कि केस को ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, ये सिविल डिसओबीडियंस जो था उसकी जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार मॉडर्न इंडिया में, पहली बार स्वतंत्र भारत में, आधुनिक भारत में सिविल डिसओबीडियंस जीत गया था, सविनय अवज्ञा जीत गई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फेयर फ्लंग इंक्वायरी इन टू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और वकीलों जो थे वो आगे बढ़े, है ना, टू कंडक्ट ए फेयर फ्लंग इंक्वायरी इन टू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, की फार्मर्स को क्या तकलीफ है उनके लिए जानकारी ली जाए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंस वर रिटन डाउन एंड नॉट मेड ऑन अदर एविडेंस। तकरीबन 10,000 लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा अपनी अपनी व्यथा लिखी गई और अन्य सबूत जुटाए गए, एविडेंस यानी सबूत प्रमाण जुटाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अन्य कागजात इकट्ठे किए गए। द हॉल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। सारा इलाका जो था वो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेटर्स से भर गया, है ना, लोग इधर उधर अपनी अपनी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। एंड द वीमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो दूसरी तरफ जो अंग्रेज वो जमींदार थे वो भी अपने विरोध करते इस बात का, है ना, अपने पक्ष के लिए उनको पैसा देना नहीं पड़े। इन जून गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून का महीना था, गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वो गए मिलने के लिए, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उन्होंने अपने साथियों से इकट्ठा किया, वकीलों को, साथियों को इकट्ठा करके उनको कहा कि अगर वो लौट के नहीं आते हैं तो उनको किस प्रकार से सविनय अवज्ञा करनी है, किस प्रकार से अगला कदम उठाना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गांधी जी ने अपने वकील साथियों को, अन्य साथियों को, किसानों को। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी की लगातार 4 बार मुलाकात हुई इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरकॉपर्स। इसके बदले में क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठानी पड़ गई, एक जांच आयोग बैठाना पड़ गया उस इंडिगो शेयर ग्रोपर्स के हक के लिए, उनकी सिचुएशन को पता लगाने के लिए, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट। अब ये कमीशन किससे बना, ये आयोग किससे बना, कौन कौन लोग थे इसमें, तो इसमें शामिल थे लैंडलॉर्ड, शामिल थे सारे के सारे जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल, कुछ सरकारी ऑफिसर्स एंड गांधी खुद भी, गांधी किसकी तरफ से थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के प्रतिनिधि बन के गए थे। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स।
गांधी जी एक बार गए थे छोटे से किसान के आग्रह पर और लगातार 7 महीने तक वहाँ पे वो रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी विजिट्स की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। ये विजिट जो की गई थी एक अनपढ़ किसान के आशा के साथ में, एक अनपढ़ किसान की आशा को पूरा करने के लिए गांधी जी ने एक बार उसके साथ चंपारण जाना स्वीकार कर लिया था और इस एक विजिट ने क्या किया, इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज। उनको लगा कि ये कुछ दिन में ये विजिट उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन इस विजिट ने ऑक्यूपाइड ले लिए ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी लाइफ, गांधी जी के जीवन का एक साल ले लिया, है ना। गांधी जी का था 7 महीने रहे, उसके बाद भी अन्य बार टुकड़ों में जाते रहे चंपारण। इस प्रकार से गांधी जी का जीवन का एक साल जो था वो चंपारण में बीता। किसकी वजह से बीता? एक अनलेटर्ड पीजेंट की वजह से, एक अशिक्षित किसान के आग्रह के ऊपर गांधी जी वहाँ पे चले गए थे। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, जांच आयोग बैठा, जांच ने अपने काम किया, आयोग ने काम किया, तो एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, एक पहाड़, प्रमाणों का, सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े प्लांटर्स के विरोध में। प्लांटर्स कौन? अंग्रेज जमींदार। एंड व्हेन दे सा दे एग्रीड, जब उन्होंने देखा तो वो सहमत हो गए इन प्रिंसिपल सिद्धांतों में, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वो रिफंड कर देंगे पीजेंट्स का, किसानों का पैसा उनको लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आज गांधी। अब गांधी जी को उन्होंने सवाल किया, है ना, यहाँ पे देखिए गांधी जी से उन्होंने पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमको कितना पैसा देना चाहिए उनको वापस, कितना पैसा हम चुकाएं। तो आज के हालात होते तो हम कहते हमको 100% पैसा चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हमको सूद समेत चाहिए, लेकिन दे थॉट ही वुड डिमांड प्री पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा था कि वो डिमांड करेंगे रिपेमेंट का, गांधी जी के बारे में है कि उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी रिपेमेंट का डिमांड करेंगे फुल मनी के तौर पर, पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो उन्होंने पैसा इलीगली अवैध रूप से और डिसीटफुली मक्कारी के साथ में लिया था, शेयर क्रॉपर्स से बहला फुसला के लिया था, वो पैसा पूरे की मांग करेंगे। ही आस्ट ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, उन्होंने 50% पैसा ही मांगा। देर ही सिम अडेमेंट राइट्स रेवरेंड जेड होज, एक अंग्रेज अधिकारी है कोई, रेवरेंड जेएच होज, वो कहते हैं, वो लिखता है कि देर ही सिम अडेमेंट, वहाँ पे वो थोड़े कठोर दिखे गांधी जी। ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड ऑफ द क्लोज रेंज, ये कौन थे जेड होज, ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण में, जो सारी घटना को देख रहे थे। मिशनरी यानी जिनका कोई मिशन होता है, ठीक है ना, कुछ लोग धर्म के प्रति मिशनरी चलाते इस तरह से, तो वो मिशनरी थे जो देख रहे थे सारी घटना को। उन्होंने लिखा कि गांधी जी यहाँ पे क्या थे, थोड़े कठोर हो गए थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एज हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। थिंकिंग प्रोबेबली सोचते हुए संभवतया दैट ही वुड नॉट गिव वे कि वो कोई रास्ता नहीं देगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो रिप्रेजेंटेटिव जो प्लांटर जो थे, जो अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या किया गांधी जी से, हम आपको 25% पैसा दे देंगे। और उसकी अमेजमेंट के लिए मिस्टर गांधी जी ने क्या किया, उसके शब्दों को ग्रहण कर लिया और इस डेडलॉक को तोड़ दिया, यानी 25% पैसे पे गांधी जी राजी हो गए। किसानों से कहा ठीक है भाई, आप 25% पैसा लेकर राजी हो जाओ, ये बात यहाँ पे गांधी जी की थी। उसके बाद आगे देखो क्या होता है, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और इस सेटलमेंट को स्वीकार कर लिया गया था आयोग के द्वारा बिना किसी जदोजहद के। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट ही दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैट द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैज बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब गांधी जी ने यहाँ पे एक तर्क दिया कि दिस, गांधी जी ने क्या एक्सप्लेन किया कि अमाउंट ऑफ द रिफंड का अमाउंट, कितना पैसा हमको वापस मिला, ये कम इम्पोर्टेंट है, इस बात का महत्व इतना नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वो उन्होंने
स्वीकार कर लिया, जमींदारों ने स्वीकार कर लिया कि हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एंड इसके साथ में ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपना सम्मान का भी कुछ हिस्सा उनको मिला है, वापस किसानों को सम्मान मिला है, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उनके जमींदारों को झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात थी। देयर फॉर इसीलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक बात सवाल है किसानों के संबंध में, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबोव द लॉ। प्लांटर्स ने कैसा व्यवहार किया था, ईश्वर जैसा किया था, जो कानून से ऊपर इस प्रकार व्यवहार किया था। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट द हीट हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, लेकिन अब किसान ने समझ लिया है कि किसान के पास में राइट्स अधिकार भी हैं और डिफेंडर्स के संरक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, अब किसान जो है उन्होंने साहस सीख लिया, करेज ने साहस सीख लिया है, साहस सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, ये घटनाएँ जो है जस्टिफाई करती हैं, ये घटनाएं जो है उसने जस्टिफाई किया, औचित्य ठहराया गांधी जी की स्थिति का। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, एक साल के भीतर भीतर सॉरी कुछ साल के भीतर भीतर ही उन्होंने अपने सारे एस्टेट छोड़ दिया, विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, जहाँ पे किसान खेती करते थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी, नील की खेती जो थी, वो गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पोलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, गांधी जी जो थे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, अपने आप को संतुष्ट नहीं करते थे बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशन के साथ में। ही सा द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण, गांधी जी ने अपने आप को इस जीत को पूरा नहीं माना, है ना। गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पैसा लौटाने पर इस जीत को पूरा नहीं माना, बल्कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कल्चरल सांस्कृतिक और सोशल सामाजिक बैकवर्डनेस, यानी पिछड़ापन भी था चंपारण के गाँव में। एंड ही वॉन्टेड टू Do something about it immediately, और वो चाहते थे कि इसके बारे में कुछ करें, तुरंत इसके लिए कुछ करें, ऐसा वो चाहते थे। ही अपील टू टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील की, कुछ अध्यापकों से अपील की, और नाम भी दिया हुआ यहाँ पे महादेव देसाई एंड नर हरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी डिसिपल, गांधी एज डिसिपल्स। महादेव देसाई और नर हरि पारिख, ये दो नाम थे युवाओं के जिन्होंने हाल ही में गांधी जी को अपना गुरु बनाया था, उनके शिष्य बन गए थे। एंड दे आर वाइव्स, उनकी पत्नियां भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने सहमति से स्वयं सेवा करने की इच्छा जताई, काम करने की इच्छा जताई, यानी पढ़ाने की इच्छा जताई बच्चों को। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, बहुत सारे और लोग गए, मुंबई से गए, पुणे से गए, अन्य हिस्सों से गए, है ना। उस समय के समय में आज के समय में फ़र्क था, उस समय लोग मदद कर दिया करते थे, आज की सेवा फुर्सत नहीं है, लालच बढ़ गया, उस समय स्वार्थ नहीं था, इसीलिए देश आज़ाद हुआ। देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास और उनकी पत्नी, गांधी जी की पत्नी, दोनों वहाँ पे पहुँचे। प्राइमरी स्कूल्स फॉर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी जो थी, वो खुद लोगों को सफाई के बारे में बताती थी और सामुदायिक सैनिटेशन, साफ सफाई के बारे में बताया करती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य संबंधी कंडीशन जो थी वो बड़ी मिजरेबल थी, परेशान करने वाली थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर सर्विसेज फॉर 6 मंथ, ऐसे में गांधी जी ने एक डॉक्टर को मनाया कि वो स्वयं सेवा दे, वो मुफ्त में लोगों के इलाज के लिए 6 महीने के लिए अपनी सेवाएँ दें। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 प्रकार की दवाइयाँ इकट्ठी उपलब्ध थी, एक तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनिन, वो दवा जो मलेरिया की दवा होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर से बनाओ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट बोलते हैं मलहम को। एनीबडी हु शोड ए कॉटेड टंग विद वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, किसी के जबान पे कोट होती थी, कचरा जमा होता था, उसको एक कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, जिसको मलेरिया होता था उसको कोनन के साथ में कैस्ट्रोल देते थे। और एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड एंडपेंट प्लस कैस्ट्रोल, और किसी को चर्म रोग होता था, चमड़ी की समस्या होती थी, उसको कैस्ट्रोल के साथ साथ ऑइंटमेंट मलहम भी दिया जाता था। गांधी जी ने नोटिस किया इस बात को, द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी नोटिस किया कि वहाँ की महिलाओं के कपड़ों की स्थिति बड़ी गंदी थी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू, उन्होंने कस्तूरबा गांधी से अपनी पत्नी से कहा कि वो महिलाओं से बात करें, है ना, देम अबाउट इट, उनसे बात करें इस बारे में कि कपड़े ऐसे क्यों पहनती है। तो वन वुमेन टुक
कस्तूरबा इंटू हर हार्ट एंड सैड। एक महिला कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में लेके गई और कहा, लुक, देखो, देर इज नो बॉक्स और कबर्ड देयर हियर फॉर क्लॉथ्स। यहाँ पे कोई बक्सा नहीं है, यहाँ पे कोई अलमारी भी नहीं है, अलमीरा नहीं है, कोई बक्सा नहीं है जिसमें कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, है ना, अपनी गरीबी का उसने प्रदर्शन किया, बताया कि ये जो साड़ी मैंने पहन रखी ना, बस ये एक साड़ी मेरे पास में है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय रहने के साथ साथ गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी अपने आश्रम में भी लंबी दूरी से नज़र रखते थे, दूर से नज़र रखते थे, यानी बिहार से बैठे बैठे वो निर्देश दिया करते थे कहाँ पे, गुजरात में। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, उन्होंने बार बार लिखा, चिट्ठियाँ डाली, फाइनेंशियल अकाउंट से जानकारी मांगी, कहाँ से, अपने आश्रम से। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटिन ट्रेंच एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार उन्होंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे गांधी जी, आश्रम से दूर होते हुए भी उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लेटर लिखा, है ना, क्या लिखा था उस लेटर में, कि जो ओल्ड लेटरिन के ट्रेंचेस एंड गड्ढे, कुइयाँ हैं, है ना, या सेफ्टी टैंक्स हैं, वो भरने का, उनको बंद कर देने का, दूसरे खोद लेने का समय आ गया, नहीं तो वो स्मेल बैड मारेंगे, स्मेल जो है बैड स्मेल आएंगी उनमें से, ऐसा उन्होंने, गंदी दुर्गंध मारेंगे, ये उन्होंने कहा। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण का जो एपिसोड था ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन में, गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा, वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने जो किया वो एक ऑर्डिनरी थिंग थी, मैंने जो किया वो एक साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश जो है ना वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता मेरी खुद की कंट्री में, मेरे खुद के देश में मुझे अंग्रेज क्यों ऑर्डर करेगा, मैंने ये डिसाइड किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण जो था ये डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, ये नहीं शुरू हुआ था। तो जहाँ तक बात चंपारण की है, चंपारण घटना जो थी ये डिफेंस का एक्ट नहीं था, एक्ट बोलते हैं कार्य को, और डिफेंस अवहेलना का कार्य नहीं था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि ये शुरू हुआ था एक प्रयास के साथ में जो कि गरीब किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था, एक कठोर तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी पॉलिटिक्स जो थी, उनकी राजनीति जो थी ना वो प्रैक्टिकल थी। डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, दिन प्रतिदिन जो लाखों लोगों की समस्या थी उससे संबंधित उनकी पॉलिटिक्स थी। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रेक्शन, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, ये ईमानदारी नहीं थी किसी एब्स्ट्रेक्शन को लेकर, किसी बात को लेकर, बल्कि ये था एक लॉयल्टी, ईमानदारी थी लिविंग लोगों के लिए, जीवित लोगों के लिए, मानव के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर द ही ट्राइड इट टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, प्रत्येक वो काम जो गांधी जी ने किया था ना, उन्होंने कोशिश की मोल्ड करने की, ढालने की, एक नया भारतीय, एक नया आज़ाद भारतीय, हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट ऑन फीट, जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से अपने भारत को भी आज़ाद कर सके। गांधी जी के हर काम में ये कोशिश होती थी कि वो एक नया, एक आज़ाद भारतीय बनाए जो कि भारत को भी आज़ाद कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के एक्शन की शुरुआत में, चंपारण की घटना की शुरुआत में, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, अंग्रेज का नाम है, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैज़ हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, ये भी अंग्रेज थे लेकिन ये महात्मा के अनुयायी बन गए थे, महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए थे, कौन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, केम टू बिट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स। तो गांधी जी इसको उन्होंने फेयरवेल करने के लिए आए, विदा बोलने के लिए आए, कब, जब उसकी ड्यूटी लगा दी गई थी इंडिया से हटा के फिजी आइलैंड्स में। फिजी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पास में आइलैंड्स है, वहाँ पे है, तो द्वीप पर वहाँ पे है, तो वहाँ पे उनको भेजा गया। तो गांधी जी के पास मिलने के लिए आए वो जाने से पहले, तो गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के लॉयर साथियों ने, वकील साथियों ने कहा गांधी जी से कि
कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास आया अंग्रेज, यानी इसको यहीं पे रोक लेते हैं और इससे मदद हो जाएगी हमारी, अंग्रेजों के खिलाफ इसी आम आदमी हमारी मदद कर सकता है। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड, और एंड्रयू भी विलिंग था, इच्छा थी उसकी भी करने की, अगर गांधी अग्रीड हो जाते तो वो रुक जाता, लेकिन गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने पूरी तरह से उसको अपोज कर दिया, पूरी तरह से उस बात को नकार दिया। ही सैड, उसने कहा, गांधी जी ने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तुम ये सोचते हो कि एक अनइक्वल फाइट में, एक बराबरी की लड़ाई नहीं है ये हमारे बीच में, अंग्रेजों के बीच में, और ऐसे में एक अंग्रेज आदमी हमारे पास आके हमारी मदद करे, तुम ये चाहते हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तो तुम्हारे दिल की वीकनेस दिखाता है, वीकनेस नहीं कमजोरी दिखाता है। द कॉज इज जस्ट, हमारा मतलब मकसद जो है वो जस्ट है, ईमानदारी भरा मकसद हमारा और न्याय के लिए है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुमको केवल रिलाई अपॉन, निर्भर रहना, अपने आप के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, किसके लिए? टू विन द बैटल, इस बैटल को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सी के टॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। You should not seek a prop in Mr. Andrew because he happens to be an Englishman. तुमको बिल्कुल भी मदद नहीं ढूंढनी चाहिए Mr. Andrew में, क्योंकि वो एक Englishman है। एक अंग्रेज हमारे साथ में हमारी मदद करे, ये बात हमको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद ने आगे कहा, कमेंट किया कि उन्होंने, गांधी जी ने हमारे दिमाग को अच्छी तरह पढ़ लिया था। And we had no reply. हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी जी की इस बात का। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self-reliance. इस प्रकार से गांधी जी ने हमको एक self-reliance का पाठ सिखाया, गांधी जी ने हमको आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया। तो इस प्रकार से self-reliance, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स को मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई थी, इस प्रकार से सारी चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई थी। तो ये लुईस फिशर ने इसको लिखा है, लुई फिशर एक अंग्रेजी हैं, कोई लिखने वाले इसके विदेशी हैं, फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने इसको लिखा है जो गांधी जी को पसंद करते थे। तो इस प्रकार चैप्टर पूरा हुआ है, गांधी जी ने किस प्रकार से राजेंद्र शुक्ला के कहने पर, है ना, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार के चंपारण में गए, किस प्रकार से उन्होंने किसानों का साथ वहाँ पे दिया, कैसे उन्होंने अपनी इस लड़ाई को जीता, ये इस चैप्टर में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को आप देखते रहिएगा, पढ़िएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।